राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे भक्तों का प्रश्न है कि दीदी, एकादशी का व्रत 17 तारीख को रखा जा रहा है या 18 तारीख को रखा जा रहा है? देखिए, कोई भी संशय नहीं है कि दसवीं तिथि 16 तारीख को मनाई जा रही है, अर्थात गंगा दशहरा जो है वो 16 तारीख को ही मनाया जा रहा है। लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो 17 को रखा जाएगा या 18 को रखा जाएगा? अगर गंगा दशहरा 16 को बनाया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है एकादशी का व्रत 17 को रखा जाएगा। अगर एकादशी का व्रत 17 को नहीं रखा जा रहा तो 18 को क्यों रखा जा रहा है? एकादशी तिथि का जब प्रारंभ हो रहा है तो सूर्य उदय से पहले प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 17 तारीख को सूर्य उदय से पहले एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हम फिर भी एकादशी का व्रत जो है वो 18 तारीख को रख रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। केवल आपको अपना जिस दिन आप पैदा हुए वो भेजना है, जिस महीने में पैदा हुए वो भेजना है और जिस साल में पैदा हुए वो भेजने हैं। आपकी कुंडली के माध्यम से मैं बता पाऊंगी कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं, आपकी किस्मत में जॉब है या बिजनेस, आपकी शादी का योग कब है, क्या आपकी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है, आपका लकी कलर लकी रंग कौन सा है, आगे जाके आपको कौन से हेल्थ इश्यू होने चाहिए और आपके हस्बैंड का तालमेल कितना बैठ रहा है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उनसे आपका तालमेल कितना बैठेगा। ये सब केवल आपके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं निकाल के बता पाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे को संपर्क करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4 बार 9 20 25 65, जो कि नीचे फ्लैश हो रहा है, इस पर आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं, क्योंकि ना बड़े सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी ये फ्री है? ये फ्री नहीं है, इसके चार्ज लिए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है और उसके उपाय भी आपको बताए जाएंगे, तो आप जल्दी से जरूर संपर्क कीजिए। राधे एकादशी जो है, वैसे तो कहीं कहीं जगहों पे एकादशी का व्रत 17 तारीख को भी रखा जाएगा, जैसे कि खाटू श्याम में शायद 17 तारीख को रखा जा सकता है। अभी मैं पंडित जी से बात करके पूरी इंफॉर्मेशन ले लूंगी। 17 तारीख को जो एकादशी है वो दशमी युक्त नहीं है, प्रॉपर पूरे दिन की एकादशी है। लेकिन जो 17 तारीख के बाद एकादशी के व्रत का जो हम पारण करते हैं, वो पारण का जो समय निकल रहा है वो हरिवासन समय जो है वो 1 बजे तक नहीं मिल रहा हमको। 1 बजे मतलब अगले दिन 18 तारीख को 1 बजे के बाद का हमें हरिवासन समय निकलने के बाद का व्रत पारण का समय मिल रहा है। तो अर्थात जो व्रत हो जाएगा वो काफी लंबा हो जाएगा, सही है ना? इसीलिए 18 तारीख को जो एकादशी विश्राम हो रही है वो सुबह सुबह 6:30 बजे के बाद हो रही है, अर्थात सूर्य उदय के बाद एकादशी तिथि विश्राम है, अर्थात द्वादशी तिथि युक्त एकादशी हमें मिल रही है। शास्त्रों में वर्णन है कि दसवीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है, और द्वादशी तिथि युक्त अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमको बल मिलता है। इनफैक्ट एक एकादशी नहीं 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। वैसे भी जो ये निर्जला एकादशी है, वैसे भी एकादशियों को व्रतों का राजा बोला जाता है, और मैं बात करूं निर्जला एकादशी की तो निर्जला एकादशी को एकादशी का भी राजा बोला जाता है। तो आप देख लीजिए कि द्वादशी युक्त अगर एकादशी रखते हैं तो आपको 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। वैसे तो आपको एक एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन अगर आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। निर्जला अर्थात इसमें किसी भी प्रकार से कोई जल का सेवन नहीं किया जा सकता। अगर आपको जल का सेवन करना है तो जैसे कि 18 तारीख को अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 17 तारीख को रात को 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में आप जल का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद 18 तारीख को व्रत प्रारंभ हो जाएगा, रात्रि के समय कोई जल नहीं लिया जाता, सुबह कोई जल नहीं लिया जाता, कभी भी कोई जल, हाँ कुल्ला करते समय आपके मुख में जो जल होता है बस केवल उतना ही लिया जाता है, या फिर आचमन करने के समय जो जल की बात कही गई है केवल उतना ही जल लिया जाता है, बाकी जल नहीं लिया जाता है। तो एकादशी का व्रत जो है वो पूरे विधि विधान से 18 तारीख को रखा जा रहा है, 17 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं रखा जा रहा, जबकि 17 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है। आप में अगर सामर्थ्य है तो 2 दिन का व्रत रख सकते हो, अगर सामर्थ्य नहीं है तो 18 तारीख का ही व्रत रखिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आप 17 तारीख का व्रत कर रहे हो तो कुछ खा पी के व्रत रख सकते हो और 18 तारीख को निर्जला व्रत रख सकते हो। नहीं तो दोनों तिथियों में से सबसे बेस्ट जो व्रत रखना है वो 18 तारीख को ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।